अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। सुकुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे अब 6 दिसंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, जिससे फैंस बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। अब तक इस मूवी के क्लाइमैक्स फाइट सीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है, जिसके बाद फैंस गुस्से से तिलमिला गए हैं। उन्होंने इस वीडियो के इंटरनेट से फौरन हटाने की मांग की है। पुष्पा 2 के BTS वीडियो में कलाकारों और क्रू द्वारा क्लाइमैक्स फाइट सीन की शूटिंग करते समय के पीछे के सीन को दिखाया गया है। वीडियो में खून से लथपथ एक शख्स केबल की तार से लटका हुआ दिख रहा है, जबकि एक और लोग सेटअप में मदद करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रश्मिका या अल्लू अर्जुन इस क्लिप में नजर नहीं आ रहे हैं। फिल्म मेकिंग के इस सीन पर फैंस का ध्यान तुरंत चला गया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को हटाने की मांग भी की। इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके हैं। एक ने लिखा, प्लीज़ वीडियो हटा दें, हमारे लिए क्लाइमैक्स खराब ना करें। दूसरे ने लिखा, ऐसे ज़रूरी सीन्स को लीक करना पूरी टीम की कड़ी मेहनत के साथ अन्याय होता है। ये पहली बार नहीं है जब पुष्पा 2 का फुटेज ऑनलाइन सामने आ गया है। इससे पहले एक वीडियो में रश्मिका मंदाना को लाल साड़ी में माथे पर सिंदूर के साथ श्रीवल्ली के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए भी दिखाया गया था। सीक्वल में श्रीवल्ली की शादी के बाद की जिंदगी को दिखाया गया है। ये फिल्म अब 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। काम को पूरा करने के लिए पूरी टीम जमकर मेहनत में जुटी हुई है। इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसका पहला पार्ट दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। पिछले पुष्पा में हम लोगों ने देखा कि कैसे अल्लू अर्जुन ने अपना श्रीवल्ली नाम का प्यार पा लिया, और उसी कहानी में हमने अल्लू अर्जुन का एक अलग रूप देखा, एक नया अवतार देखा, जिसमें उन्होंने कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरा शो बनाया। और उसके बाद मूवी के एंड तक हमने देखा कि कैसे उन दोनों ने मिलकर अपनी जीत हासिल की। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।